अभी हम पहुंचे हुए भगवानपुर थाना क्षेत्र के महमदा में, जहां पर आप देखे होंगे कि लगातार कई जगह है गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी का मौसम शुरू होते होते बताया जाता है कि कई जगह आग लग जाती है, आग अपना लगातार तांडव जारी रखती है और कई जगह देखा जाता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी कई जगह फसल भी बर्बाद हो जाते हैं, कई जगह घरों में आग लग जाती है, कई लोगों को भारी नुकसान होते हैं, कई लोगों की मौतें भी हो जाती है। वही आज भगवानपुर के महमदा में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक साइकिल दुकान में आग ने रात्रि जमकर तांडव मचाया है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो साइकिल का दुकान है या गुमटी में रखा हुआ था सभी सामान जलकर राख हो गया है। और यहाँ पर जो साइकिल दुकानदार के जो संचालक है उनसे बातचीत करेंगे, आखिर कैसे कब क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ था इसमें। हम आया तब देख रहे थे आग लग गया, दो आदमी गए। कितने बजे आपको सूचना मिला, कितना बजे आप दुकान बंद करके गए थे? हम गए थे यहाँ पे 7 बजे दुकान बंद करके, और हमको 3 बजे भोर में सूचना मिला, तो हम आए तो देखे कि आग लगा हुआ है रात में, तो इसीलिए हम आए तो देखे तो सब जल कर राख हो गया। कितना बजे आप एक को सूचना मिली कि यहाँ पर आग लग गया? 3 बजे सूचना मिला था हमको कि आग लगा हुआ है, तो हम आए तो देखे सब जल कर राख हो गया है। क्या इसमें बिजली का कनेक्शन भी था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं था। क्या लग रहा है, जब बिजली का यहाँ पर कनेक्शन नहीं था क्या लग रहा है आप? इसमें कोई ना कोई आग लगाया, ऐसे नहीं हुआ। आपकी दुश्मनी वगैरह किसी से नहीं? किसी से दुश्मनी नहीं, ना किसी झगड़ा ना कुछ भी। इसको लेकर स्थानीय जो अंचल अधिकारी हैं, आप थाना प्रभारी, इसको सूचना दिए? थाना प्रभारी बोले हैं कि हम आकर देख लेते हैं, और अथी सीओ साहब बोल रहे हैं इसका कुछ नहीं मिलेगा मुआवजा, कुछ नहीं मिलेगा बोल रहे हैं। दुकान का नहीं मिलता है, खाली मकान का मिलता है। अच्छा, तो अब तो आपके पास यही जो है कि परवरिश, परिवार का परवरिश करने के लिए यही आपका एक सहारा था? यही सहारा। अब यह नहीं रहा तो आगे क्या कीजिएगा? आगे हम क्या करेंगे, वही तो हमसे पूछ रहे हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाए हैं जी। इसको लेकर सीओ साहब से पूछे कि एक हमारा यही दुकान सहारा था, तो आगे हम क्या किया जाएगा हमको द्वारा? सीओ साहब बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको अब क्या करें, इसलिए हम आपको बुलाए हैं। अब आप बताएं, नाम क्या है आपका? हमारा नाम तारकेश्वर उर्फ गुड्डू। तो देखे कि यहाँ पर जो है कि आग ने रात्रि जम, देख सकते हैं किस प्रकार से जो महमदा में है जो साइकिल का दुकान है वह पूरी तरह जलकर राख हो गया है। और राख होने के बाद जो है कि जो इसके संचालक है बहुत दुखी है, क्योंकि इन यही जो दुकान था इसी से इनका परिवार का भरण पोषण, यही दुकान चलाते थे और इसी दुकान के द्वारा इनके परिवार का भरण पोषण चलता था। तो बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने आग लगाई, तो हम आपको दिखाएं कि किस प्रकार से आग ने रात को जमकर तांडव किया है। और एक साइकिल दुकान है वह पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि देखा जाए तो इन्हीं से जो है कि इनका परिवार का भरण पोषण चलता था, तो अब देखना यह होगा कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है इसको लेकर क्या कुछ इनको मुआवजा मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल के साथ। महमदा से गगन पांडे की रिपोर्ट।